दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के IGMS हों या एम्स हों, सभी जगह जो है अलर्ट पर जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए SDRF NDRF सभी को जो है लगा दिया गया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की देर रात हादसे की शिकार हो गई। बता दें आपको कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है और वही 80 से 90 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले आपको कि इस हादसे के बाद से लोगों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग घायल हैं वो लोग बक्सर के स्थानीय अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। इस पर अब बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया है कि पटना एम्स और IGMS को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण प्रसाद से बातचीत की गई है और 15 से 20 बेड को रिजर्व रखा गया है। वहीं सेंट्रो को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि दोनों जिलों के अधिकारियों से भी बातचीत की गई है और अस्पतालों की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई है। इसी के साथ बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी प्रसाद यादव का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के DM हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के IGMS हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पर जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए SDRF NDRF सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नज़र हम लोगों के पास है और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है और जो आपदा के अधिकारी हैं प्रत्यमृत वो खुद भी कंट्रोल रूम में उपस्थित हैं। ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि पटना एम्स और IGMS को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी के साथ ट्रॉमा सेंटर को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। 15 से 20 बेड जो हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं। इसी के साथ बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि दोनों जिलों के DM से बातचीत की गई है, वहां के स्थानीय अस्पतालों की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई है। इसी के साथ तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।